हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.6 ऑफ आवर चैप्टर 5 सब सेक्शन। स्टूडेंट आज 5.6 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 5.5 एक्सरसाइज तक कल हो चुका था। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पीडीएफ ऑफ आंसर्स मैंने क्लास ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए, आप वहाँ से उसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो 5.6 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इसको मैंने कॉपी में अपने नोट डाउन कर लिए हैं, आप भी नोट डाउन करके इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 5.6 है, इसमें ए पार्ट है 3603 - 1849 and 5634। देखिए, जो पहला वाला नंबर है उसके आगे कोई साइन नहीं है तो वो भी एडिशन का मतलब प्लस का माना जाता है, और जो ये नंबर है ये भी प्लस का माना जाता है। जिसके आगे सब्ट्रैक्शन का साइन है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है एंड लास्ट। तो पहले ये वाला नंबर और ये वाले नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, एड। जो सम आएगा उसको हमें यहाँ पे लिखना है और उसमें से 1849 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 + 4 = 7, देन 0 + 3 = 3, 6 + 6 = 12, कैरी 1, 5 + 3 = 8 over 9, देन 9 2 3 7 हमारा इधर आ गया। इसमें से हमने 1849 को सब्ट्रैक्ट करना है। 7 में से 9 पॉसिबल नहीं है तो ये 2 हो गए, यहाँ पे 17 हो गया, 17 में से 9 गए बचे 8, देन 2 में से 4 नहीं जा सकते, ये 12 हुआ, यहाँ से है कैरी, इसमें 1 बचा, 12 में से 4 गए बचे 8, देन 1 में से 8 पॉसिबल नहीं है, ये 11 हुआ, ये 8 हो गया, 11 में से 8 गए बचा 3, और 8 में से 1 गया बचे 7, देन 7388 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही करेंगे, सेम वैसे ही, इन दोनों को ऐड करें, 6 6 12, कैरी 1, 2 + 1 = 3 and 1 = 4, 1 + 1 = 2 and 4 + 7, देन 7 2 4 2, यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुए तो बचे 3, यहाँ से बचा 3, 13 हो चुका होगा ये, यहाँ का 6, 13 में से 4 गए तो बचे 9, अब 11 में से 8 गए बचे 3, देन 6 6 0 393 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 1416 and 4969, 9 + 6 = 15, कैरी 1, 6 + 1 = 7 over 1, 8 9 + 4 = 13, कैरी 1, 4 + 1 = 5 and 1 = 6 6 3 8 5 6 3 8 and 5, 5 में से 2 गए सब्ट्रैक्ट करिए तो बचे 3, 8 में से 5 गए बचे 3, अब 3 में से पॉसिबल नहीं है तो 13 करना पड़ेगा इसको, ये यहाँ से कैरी आया है, इसमें 13 - 6 = 7 और 5 - 1 = 4। अगला क्वेश्चन 10 1012 + 3282, 8 + 2 = 10, कैरी 1, 8 + 1 9 और 1 10, कैरी 1, 3 2 + 1 3 और 4 3 00, 0 जा नहीं सकता, यहाँ से आया होगा, यहाँ पे भी 10 हुआ होगा तो 9 हो गया है, अब 2 यहाँ पे, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, और 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2। नेक्स्ट है ई पार्ट। ई पार्ट देखिए कैसे करेंगे, 3 में से 4 गए, 3 माइनस 4 बहुत सॉरी इट्स एडिशन, 3 + 4 = 7,
9 प्लस 6 15 कैरी 1, 0 प्लस 0 0 0 1 आएगा कैरी वाला बस इसमें ऐड होके, और ये 9, देन 9 1 5 7, 7 में से 8 जा नहीं सकते तो ये 17 हो गया, 17 में से 9, ये बच्चा 4, 4 में 0 हो गए 4, देन ये 11, 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए तो बचे 3, और ये बचा 8, 8 में से बचे 7, 7 3 4 9 इज़ द आंसर। तो स्टूडेंट मैंने ये आपको समझाने के लिए ई तक पार्ट कर दी है, एफ जी एच आई जे, ये आपको खुद ट्राई करने हैं होमवर्क से, के एंड एल, ये भी एक्सरसाइज 5.7 में अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि ये है एक्सरसाइज 5.7 हमारी, फाइंड द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बाई राउंडिंग ऑफ द नियरेस्ट 1000, ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल डिफरेंस। दो तरीके से क्वेश्चन करना है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 1000 भी करना है और फाइंड करना है हमें एक्चुअल डिफरेंस, एक्चुअल डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन था 2783, 2783 एंड दूसरा नंबर था इसमें 5387, तो इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 में। 1000 वाला प्लेस ये है, 1000 वाले प्लेस ये है दोनों 2 एंड 5। अब 2 का अगला नंबर, 2 का अगला नंबर अगर 5 6 7 8 9 है तो 2 में प्लस 1 हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 3 और बाकी का 3 नंबर का 0। और अगर 0 1 2 3 4 है, ये 4 नंबर है, मतलब कि क्या है 5 6 7 8 एंड 9, तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 1, और अगर 0 1 2 3 4 है, ये 5 नंबर है, तो नो चेंज। तो इसमें 2 में, 2 के आगे जो नंबर है वो 7 है, मतलब कि ये तो प्लस 1 हो जाएगा इसमें 2 में, तो 3 हो गया। देन 5 के आगे नंबर है 3, ये उसमें आता है 0 1 2 3 4, तो नो चेंज, 5 में नो चेंज, तो 5 का 5 लिखेंगे और 3 जीरो उसके आगे लगा देंगे। तो जो अप्रोक्सीमेट डिफरेंस होता है, मतलब कि बड़ा नंबर है 5000, उसमें से 3000 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना बचा 0 0 0 5 2, 2000 जो हमारा अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है। और जो एक्चुअल डिफरेंस है वो कैसे निकलेगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, अब 3 में से पॉसिबल नहीं है तो 13 करेंगे, 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचे 3 प्लस 3 6, और 4 मिस 2 गए तो बचे 2, तो 2604 इज द एक्चुअल डिफरेंस एंड 2000 इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, 5390 को राउंड ऑफ करना है, तो ये क्या हो गया, 5 का अगला नंबर 3 है तो नो चेंज, 5000, और 1 के आगे 3 है तो नो चेंज 1000, तो इनका डिफरेंस क्या होगा 5000 माइनस 1000, इनका डिफरेंस होगा 0 0 0 एंड 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, और एक्चुअल डिफरेंस क्या होगा इसका, 0 में से तो जाएगा नहीं तो बचेगा 10, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, 3 माइनस, अब 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 4018 तो हमारा एक्चुअल डिफरेंस है और अप्रोक्सीमेट जो डिफरेंस है वो है 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सी, 4850 को हम लिख सकते हैं 5000, और 2850 को लिख सकते हैं हम 3000। सो अप्रोक्सीमेट सम डिफरेंस क्या होगा, 5000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 3000। ना एक्चुअल डिफरेंस इसका होगा 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए 0, 8 में से 0 गए 0 एंड 4 में से 2 गए 2, सो अप्रोक्सीमेट डिफरेंस इज 3000,
सॉरी हाँ 3000, सो सॉरी इट इज 3000, सो टू राइट 3000 एंड 5 - 3 इज इक्वल टू 2000. 2000 इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस एंड एक्चुअल डिफरेंस इज ऑल्सो 2000. तो 2000 अप्रोक्सीमेट भी है, एक्चुअल भी 2000 है, तो दोनों इक्वल ही हैं, लगभग बराबर ही होते हैं. नाउ 4900 को हम लिख सकते हैं 5000, और 8000 को लिख सकते हैं हम 8061 को 8000, देन 8000 - 5000 इक्वल टू 0 0 0, 8 - 5 इक्वल टू 3, 1 0 0 गए 1 6 0, देन ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया बचा 1 और इधर बचा 7, 7 में से 3, 3101 एंड 3000 लगभग बराबर. 9083 राउंड ऑफ करना है तो ये 9000 में हो जाएगा, और 3560 ये हो जाएगा हमारा 4000. 9000 - 4000 बचे हमारे 5000. एक्चुअल डिफरेंस करेंगे 3 - 0 इज इक्वल टू 3, और 8 - 6 इज इक्वल टू 2, और ये 10 हो जाएगा, 10 - 5 इज इक्वल टू 5, और इधर से कैरी दिया तो ये 8 हो गया, 8 - 3 इज इक्वल टू 5, 5523 इज द आंसर. ये तो रहा क्वेश्चन नंबर ई. क्वेश्चन नंबर ई के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ. 3400 को हम क्या लिख सकते हैं 3000, और आगे 2036 को लिख सकते हैं हम 2000. तो अप्रोक्सीमेट अप करेंगे तो 3000 - 2000 इज इक्वल टू 1000. सॉरी 1000 में 3 नीचे आएंगे. उसके बाद एक्चुअल डिफरेंस करें, 8 - 6 इज इक्वल टू 2, 5 - 3 इज इक्वल टू 2, 4 - 0 इज इक्वल टू 4, इज ए 1422 इज द एक्चुअल डिफरेंस. नाउ 6200 को हम लिख सकते हैं 6000, 4900 को लिख सकते हैं हम 5000. तो 6000 - 5000 इज इक्वल टू 1000. यहाँ पे 7 - 7 = 0, 11 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 1 से पॉसिबल नहीं है, 11 में से 5 का बचे 6, 12 का हो जाएगा 1 और 1 11, 11 से आएगा 2, 6 का हो जाएगा 5, 5 - 4 इज इक्वल टू 1260 द एक्चुअल डिफरेंस. नाउ 7653 को लिख सकते हैं हम 8000, और इसको लिख सकते हैं हम 2000. 8000 - 2000 इज इक्वल टू 6000. अब 3 में से पॉसिबल नहीं है तो ये हो गया 13, 13 में से 5 गए तो बचा 8, इधर से कैरी लिया होगा 14 रह गया, ये 14 में से 8 गया तो बचा 14 - 8 इज इक्वल टू 6, 5 - 0 इज इक्वल टू 5, और 7 - 2 इज इक्वल टू 5, देन 5568 इज द आंसर. स्टूडेंट इसके भी मैंने एच पार्ट तक करा दिए हैं, और बाकी आपका होमवर्क है जो आपको खुद करना है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मैंने आज 5.6 और 5.7 एक्सरसाइज कराई है आपको. होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इतने टफ नहीं है, इजी ही हैं, आप ट्राई करेंगे तो हो जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अपने होमवर्क कॉपी में इसको कर लीजिएगा.